तो गाइस आज होगा वीडियो में कुछ तहलका मचाऊंगा भाई, जो मैं अभी नहीं बोलूंगा। आप लोग ब्लॉग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली। पेट्रोल के एक्सेस 125 एटर में जो ब्लूटूथ मीटर था वो कॉल वाले नोटिफिकेशन मीटर में जो शो करबो यार में एटर में जो मोबाइल चार्जिंग यार फैसिलिटी ऐसा डिस्क ब्रेक था वो प्लस उन लोग एटर में जो 85 स्कूटी भैया का दो रहा है। तो देखो किलोमीटर पूरा यहाँ पे भी शो रहा है, यहाँ पे भी शो रहा है, और ऊपर से 66 6662.88 ठीक था आ जाना इंडिकेटर। बाकी DRL तो फावा जाना इधर इधर DRL सब जो एलोजिन यो तक भाई एलोजिन तक भाई एटर में जो DRL तक वो LED यार बाकी शो। Hey guys, everybody, welcome back and back to another awesome brand. आप सब को राम राम गाइस। तो गाइस आज का जो वीडियो होगा ना वो एक्सेस 125 के ऊपर होगा। एक्सेस 125 में तीन मॉडल है, वो तीन मॉडल से दो मॉडल आ जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग देखना उसमें क्या क्या फीचर्स होता है, ब्लूटूथ में क्या क्या फीचर्स होता है, नॉर्मल में क्या क्या फीचर्स, सब कुछ आज आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं नहीं बताऊँगा, कोई और आएगा वो बताएगा, सब कुछ बताएगा। तो आप लोग ब्लॉग देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। गाइस आज होगा वीडियो में कुछ तहलका मचाऊंगा भाई, जो मैं अभी नहीं बोलूंगा। आप लोग ब्लॉग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली। तो चलो जल्दी तो ब्लॉग देखो भाई, मैं बोलूंगा आज का ब्लॉग कुछ तबाही वाला होगा। स्कूटी के बारे में आप लोगों को, एक्सेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा भाई। अगर नहीं देखो तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा भाई, मुझे मत बाद में बोलना कि भैया क्यों नहीं देखा मैं। तो गाइस अभी भैया बोलेगा, भैया को मैं लेके आया, वो बोल रहा है कि मुझे भाई ऐसे नहीं मैं बोलूँगा, फेस नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने बोला डन, मैं स्कूटी की तरफ मोबाइल घुमा के दूंगा, बस वो बोलेगा आप लोग समझ लेना, मैं दिखा दिखा के सब कुछ दूंगा। ओके तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल का एक्सेस 125 एटर में जो ब्लूटूथ मीटर था वो कॉल वाले नोटिफिकेशन मीटर में जो शो करबो यार में एटर में जो मोबाइल चार्जिंग यार फैसिलिटी ऐसा डिस्क ब्रेक था वो प्लस उन लोग एटर में जो DRL आसे पार्किंग DRL आसे माइलेज की था दोनों टर सेम কত এটার কোম্পানি ক্লেম আছে 64 পাওয়া যেত না প্রথম স্টার্টিং 45 টু 50 সেকেন্ড সার্ভিসিং এর পরে 55 প্লাস থাকবে ভাই মেরা वाला भी सेम তো ভাই वाला देता है और আর এটার ভিতরে ও সেম কি তা তোমার চার্জিং পয়েন্ট আছে না সব কিছু আছে এটার মধ্যে শুধু থাকবে অ্যানালগ মিটার ওইটা লেগে হইলো কি এটা এক্সেস জেড আর ওইটার ভিতরে তো পার্কিং লাইটটা নাই না না পার্কিং নাই এটা ডিআর বলতে হ্যালোজেন লাইট থাকবে এটার ভিতরে তো সিলিন্ডার ক্যারি উড়ে প্লাস কিছু হইবো টাউনের লেগে সবচেয়ে বেস্ট टाउन एंड बिल्डिंग का सबसे बेस्ट डिक्की स्पेस तक बोर्ड 21.8 लीटर और टैंक को तो 5.2 दोनों टा सेम ना दोनों टा सेम और एक्सेसर भीतर আরেকটা মডেল শুনছি আছে যেটা তোমার ব্রেক থাকবো এটা অ্যানালগ মিটার থাকবো ড্রাম ব্রেক থাকবো এটা লুকিং গ্লাস নরমাল থাকবো এটার মধ্যে চার্জারের কোনো অপশন নাই নরমাল এটার প্রাইস কত এটা পড়বো 1,01,000 এর মতো। तो गाइस और एक भी है जो एक्सेस का ये मॉडल है ड्राम वाला, तो वो मैं अभी तक नहीं लाया, वो लाऊंगा धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो दोनों टर माइलेज सेम पूरा, जस्ट दोनों टर तोफात कितना इटर भीतर इटर लोगे मीटर तोफात और कोनो किछु ना DRL बोलते इटर में जे बल्ब आसे इटर में जे DRL आसे बाकी सब पूरा सेम है, बाकी सब पूरा सेम है। और डिस्क ब्रेक दोनों टर तीतु गाइस डिस्क ब्रेक दोनों टर समान E20 जे জিনিসটা এইটা কিটা এটা সবেরই মনে বেশিরভাগ কোশ্চেন থাকে যে E20। তো গাইস আপলোগো মে মনে কোশ্চেন রাখতে যে E20 এ ও মেরা ভি কোশ্চেন মে মনে কি E20 জিনিসটা কিটা দেওয়া থাকে E20 জিনিসটা হইলো গিয়ে 80% থাকবে হইলো গিয়ে পেট্রোল আর ইথানল থাকবে 20% এটা লাগে E20 পেট্রোল। गाइस बहुत कुछ जानने को मिलता है भाई, वो मुझे भी नहीं पता था भाई E20 का मतलब क्या है। तो आप लोग देख चुके हैं। और ड्राम जो है ना, ड्राम अभी तक मैंने नहीं लाया, मैं लाऊंगा बाद में, बाद का ब्लॉग में मैं लाऊंगा। तो आज शॉर्ट फॉर्म में बहुत कुछ बोला। और आर ब्लूटूथ जो मीटर था, ब्लूटूथ मीटर भीतर कितना कितना करा जो ब्लूटूथ था एटर में जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन फाइव है, मोबाइल चार्जिंग है, सब कुछ फाइव है। एटर में जो मोबाइल चार्ज थी कल हुई है सब कुछ एटर में जो शो कर मोबाइल में जो चार्ज होता वन आसे फोन ऑन एले नोटिफिकेशन मीटर में जो शो कर
भैया का जो फ़ोन है ना उसमें कनेक्ट करके दिखा दिया, देखो इसमें फ़ोन ना वो देखा जाए नहीं, फोन 8885 किलोमीटर है कितना तुम्हारा स्कूटी को उतरू दूर से, तो कैसे ये देखो 885 स्कूटी भैया का दो रहा है, तो देखो किलोमीटर पूरा यहाँ पे भी शो रहा है यहाँ पे भी शो रहा है। तो ये दुटा कितना जिनिस মোবাইলে চার্জ টাওয়ার সব কিছু টাইম ওখন বা মনে করো আমি ফোন করছি তোমার এটা তোমার তোমারটা ফোন করি দেখা এটা কি শো হইবো পুরো ফোন করে দেখাই দিচ্ছি তো গাইস মে দেখতা হ একবার ফোন করকে ভাইয়া কো যা রহা তো গাইস যা রহা মিস কল আ রহা হ্যায় না ও গাইস ভাই ইয়ে वाला बहुत अच्छा है कि फोन कोई अगर कर इसमें इसमें क्या इधर भीतर की उठाने जी वो फोन उठाने जी तो ना बाकी सब कुछ देखते पड़ो मोबाइल फोन आई से पूरी साइड के फोन से लाल लेके सब कुछ ऑप्शन दिया दो और बाकी बाकी दोनोंटा तो पूरा सेम है इंशाल्लाह कुछ सेम खाली मीटर डिफरेंस था। तो गाइस एक्सेस में आर टैंकी को तो कत लीटर टैंकी था कुछला तुम 5.2 दोनोंटा सेम ना भाई लुक्स का जो मैं बात नेश जेटा जो मैं बोलता हूं ना यहाँ पे 110 लेकिन स्कूटी तो है एक्सेस 125 जो लिखा है 125 सीसी का स्कूटी है तो इस यहाँ पे 110 क्यों लिखा होता है इटा ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है इटा मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन जी है 110 के लिए इटा सब भी क्वेश्चन प्लस हमारे फ्रेंड्स रहो जी गई सही पता 125 स्कूटी किंतु 110 एर बेशी उड़तो ना एर भीतर तक को एर भीतर 125 लिखा करने 125 লেখা থাকলে বলতে 125 বলতে উঠবো এটা তো হইতো না 125 গাড়ি স্কুটি স্কুটির ওই লগে ইঞ্জিন তো দুটোটাই সেম সেম ইঞ্জিন কিন্তু 100-110 এর অবধি এর থেকে বেশি উঠতোই না গাড়ি আর একটা আছে না তোমার বার্গম্যানেরও সেম বার্গম্যানেরও সেম ইঞ্জিন সবটিরই সেম লুকস আলাদা সবকিছু সমান খালি লুকস আলাদা মডেল আলাদা থাকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মানে কোন কোম্পানির স্কুটি মানে এক্সেস এখন মার্কেটে চলে মানে মানুষের দামেও তো দেখি শোরুমে আয়া মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার হিসাবে আমি দেখবো সুজুকি এক্সেস 125 মাইলেজও ভালো সবকিছু ভালো থাকে ওইটা ইনস্ট্যান্ট পিকআপ পাওয়া যায় যেটা আমার চাই গাড়ির মধ্যে ওইটা লাগে এক্সেস এর উপরে আর কোনো গাড়ি নাই আর ওর গাইস ওর গাইস ওর এক বাত হ্যায় জো এক্সেস কা জো ইয়ে ওয়ালা এটার নাম কি দা মার্কার মার্কারের যে জো ইয়ে ওয়ালা জো হ্যায় না পুরা পুরা মেটাল পুরা মেটাল গাইস भैया का फोन आया तो मैं बोलता हूँ पूरा मेटल और ये सब तो फाइबर का मिलता है तो बाकी सब कुछ ये वाला भी पूरा मेटल का है बाकी शॉपटा तो फाइबर एर था ना मेटल तक वो एपर तक वो और इंडिकेटर दोनों पर तक वो मेटल बाकी सब फाइबर तक वो ये तो फाइबर ना मेटल मेटल कोई मेटल मेटल तक वो मेटल पार्ट और बाकी सब फाइबर एर पावा है फाइबर तक वो अब मार्केट এখন বেশিরভাগ স্কুটিটাই সোলার যেটা আমিও দেখলাম बहुत मस्त स्कूटी है बस मुझे बस एक ही साइड का डर लगता है कि ये साइड भाई लेकिन ये वाला भी मेटल का मिलता है बाकी तो सब कुछ क्योंकि मैं बोलता हूँ ये देखो मेरा जो स्क्रैच हुआ ना पूरा मेटल का है अगर टूट जाता वरना फाइबर का होता तो और सब कुछ हार्ड फाइबर का है का बात करूँगा ना इसका लुक्स देखने में जो DRL जो है ना इस साइड का ये पूरा सेक्सी लुक्स लगता है और इसका तो पूरा प्लेन नहीं मिलता है इसमें कुछ लुक्स हैं जो सिर्फ इंडिकेटर टफ आवाज है ना ইন্ডিকেটর বাকি DRL তো পাওয়া যায় না এটা এটা DRL সব কিছু এলোজেন ইও থাকবে এলোজেন থাকবে এটার মধ্যে DRL থাকবে এলইডি আর বাকি সব থাকবে এলোজেন এটাত না ইন্ডিকেটর থাকবে এলোজেন তো গাইস বাকি अगर आप लोग और कुछ जानना एक्सेस के बारे में तो मैं तो हूँ गाइस कमेंट सेक्शन में बोलना और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि भैया मुझे और कुछ जानना है उसके बारे में तो बोलना मुझे आप लोग और चलो आज का ब्लॉग यहाँ पे ही खत्म करते हैं तो वीडियो अगर अच्छा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि भाई मुझे ना बहुत तकलीफ हो रहा था क्योंकि ये वाला जो मेरा एक्सेस दो एक साथ खड़ा करने मतलब किया ना किया करके जो भैया को ला के ब्लॉग बनाया था ऐसा ब्लॉग मेरा भाई पहली बार है भाई तो अगर कुछ गलती हुआ तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि भैया आपका ये वाला साइड जो है ना गलती हो रहा है तो मैं ट्राई करूँगा उसको बेहतर बनाने में और भी तो चलो आज का ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं।